हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं वेणु गोपाल शर्मा और हम पढ़ रहे हैं अभी ओपन चैनल फ्लोस। ओके, सो लास्ट वीडियो में ओपन चैनल फ्लो के हमने डिस्कस किया था कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, उसमें डिफरेंट जो उसके फ्लो पैरामीटर्स है वो हमने डिस्कस किए थे। टाइप ऑफ ओपन चैनल फ्लो हमने देखा था, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिंग फ्लो एंड सुपर क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल फ्लो। ये सारे टॉपिक्स मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे। फिर मैंने बताया था कि जो चेजिस इक्वेशन या चेजिस फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं वो हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसका जो लिंक है वो फिर से मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर के अगर आपने नहीं देखा अब तक के चेजिस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है तो आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं चेजिस इक्वेशन को, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, ठीक है, दैट इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन, ठीक, इस तरह के क्रॉस सेक्शन में किस तरह से हम लोग रेट ऑफ डिस्चार्ज निकालते हैं, डिस्चार्ज रेट निकालते हैं किसी भी फ्लूड का, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस के बारे में, यानी कि जो सेक्शंस हैं दैट इज रेक्टेंगुलर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन एंड ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ये कब सबसे अधिक इकोनॉमिकल होते हैं, कब इनको बनाने में कम खर्चा आता है और हमको इनसे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, ये सब हम लोग देखेंगे, ओके, आज के इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो अगर मुझे डिस्चार्ज निकालना हो, ठीक है, तो मैं जानता हूँ फ्रॉम चेजिस फॉर्मूला दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू सी दैट इज चेजिस कॉन्स्टेंट इन टू रूट ओवर एम इन टू आई, वेयर एम इज द हाइड्रोलिक मीन रेडियस एंड आई इज द स्लोप ऑफ बेड, ओके, ये होता है। नाउ फॉर एनी गिवन वेलोसिटी, और अगर मुझे वहां पर साथ में फ्लो का जो एरिया है वो मुझे मालूम है, सो द डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू एरिया इन टू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ डिस्चार्ज लिख सकता हूँ, वी की वैल्यू मैं चेजिस फॉर्मूला से पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए इंटू सी इंटू रूट ओवर एम इंटू आई, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। नाउ यहाँ जो चेजिस कॉन्स्टेंट है या जिसको हम लोग अलग अलग एम्पेरिकल फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें सबसे जो पॉपुलर यहाँ पर फॉर्मूलेज हैं वो हम अब देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो चेजिस कॉन्स्टेंट है सी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली तीन एम्पेरिकल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम लोग यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चन में हम लोगों को जो चेजिस कॉन्स्टेंट है सी उसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है, तो वहां पर हमको इन चीज़ों की केयर करनी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको बोलेगा दैट फाइंड द डिस्चार्ज, ओके, और एनी फ्लो पैरामीटर फॉर एन ओपन चैनल फ्लो यूजिंग द मैनिंग्स फॉर्मूला, यूजिंग द गोंगलेट एंड कॉटर फॉर्मूला एंड बेजिन फॉर्मूला, ऐसा आपको क्वेश्चन में दे सकता है। तो ये जो तीन इंपेरिकल फॉर्मूले हैं उस केसेस में वहां पर हमको क्या करना होगा, जो भी आपको फॉर्मूला यूज करने बोलेगा, लेट अस से जैसे मेरे पास तीन नाम है यहाँ पर, बेजिन फॉर्मूला सेकंड है आपके पास गोंगलेट एंड कॉटर फॉर्मूला एंड थर्ड है मेरे पास मैनिंग फॉर्मूला, ठीक है। इन तीन फॉर्मूले से अगर आपको बोला कि फाइंड द डिस्चार्ज, तो आपको उस केस में करना क्या है ये ध्यान दो पहले। अगर आपको इनमें से किसी एक फॉर्मूले का नाम देकर के बोला है कि आपको डिस्चार्ज निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला डिस्चार्ज नहीं देता है, ये तीनों फॉर्मूले जो डिस्चार्ज नहीं देते हैं, वो देते हैं वैल्यू ऑफ चेजिस कॉन्स्टेंट, ठीक है। सी की वैल्यू देने के यहाँ पर आपके पास तीन फॉर्मूले हैं, फिर जब ये फॉर्मूला का आप यूज करोगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, देन उस सी की वैल्यू को आपको यूज करना है चेजिस इक्वेशन में टू फाइंड वेलोसिटी और द डिस्चार्ज, ओके। सो जो बेजिन फॉर्मूला है दैट इज सी इक्वल टू 157.6 अपॉन 1.81 प्लस के अपॉन रूट एम, जहां के जो है दैट इज बेजिन कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें गिवन होती है, आपको इसकी वैल्यू कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। देन सेकेंड है हमारे पास गैंगुलेट फॉर्मूला और द गैंगुलेट एंड कटर फॉर्मूला, ये मेजरली कटर फॉर्मूले के नाम से ज्यादा फेमस है, ठीक है। सो इसका इक्वेशन है पास सी इज इक्वल टू 23 प्लस 0.0155 अपॉन आई प्लस 1 बाई एन अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 1.0155 अपॉन आई इन टू एन बाई रूट एम, जहां एन जो है एन इज नोन एज कटर्स कॉन्स्टेंट और द रफनेस कोफिशियंट, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। देन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर मैनिंग्स फॉर्मूला, ठीक है, बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही छोटा है याद रखने के लिए, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में आपको मैनिंग फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। नाउ मैनिंग फॉर्मूला होता है सी दैट इज दी चेजिस कोफिशिएंट, चेजिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1/n एम रेस टू पावर 1/6, वेयर एन जो है दैट इज मैनिंग्स कॉन्स्टेंट। तो ये तीन यहाँ पर आपका इंपेरिकल रिलेशन है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेजिस कॉन्स्टेंट। नाउ हम देखते हैं अब कुछ एकाध न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो हमारे पास क्वेश्चन है दैट फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर सीवर पाइप विच इज लेड एट अ स्लोप ऑफ 1 in 8000 एंड अ डिस्चार्ज ऑफ 800 लीटर्स पर सेकेंड वैन फ्लोइंग हाफ फिल
टेक मैनिंग्स कॉन्स्टेंट एन इज इक्वल टू 0.020। तो इस क्वेश्चन में यहां पर आपको एक पाइप दिया हुआ है, सर्कुलर सीवर पाइप, ठीक है, एक सीवर पाइप यहां पर आपको दिया हुआ है जो कि हाफ फिल है, यानी कि आधा भरा हुआ चल रहा है यहां पर। सो दिस इज द एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि उसका डायमीटर जो है दैट इज डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, ओके। सो हाफ फिल चल रहा है यहां पर, तो एरिया ऑफ फ्लो अगर मैं लिखना चाहूं, एरिया ऑफ फ्लो ए विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्यों किया? क्योंकि ये चल रहा है आपका हाफ फिल, आधा भरा हुआ है पाइप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एरिया फ्लो हो जाएगा पाई बाई 8 डी स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ फ्लो, ओके। नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको डायमीटर फाइंड आउट करना है, हमको डायमीटर जो है पाइप का वो अननोन है, हमको जो डिस्चार्ज है वो गिवन है यहां पर क्वेश्चन में, ठीक है। सो अब मैं जानता हूं उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है डिस्चार्ज की वैल्यू, दैट इज ए इंटू सी इंटू रूट ओवर एम आई। ये जो फॉर्मूला है इसी से मुझे जो है वो डायमीटर फाइंड आउट करना है। डिस्चार्ज की वैल्यू मुझे यहां पर गिवन है, अगर मुझे डायमीटर फाइंड आउट करना है तो सभी चीजों की वैल्यू यहां पर मुझे मालूम होनी चाहिए, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहले स्लोप की बात करता हूं, आई। अब यहां पर जो मैं तरीका बता रहा हूं, आई हमेशा जो क्वेश्चन देख रहे हो आप 1 in 8000 कुछ इस तरीके से ही दिया हुआ होता है। सो इसका क्या मतलब है, देखिए जो स्लोप है बेसिकली, अब मैं उसको अगर टेन थीटा लिखूं, सो ये जो स्लोप होता है दैट इज थीटा, ठीक है, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है। सो अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, ओके। सो दैट इज लेट अस से आई, ये जो थीटा जो एंगल है दैट इज द स्लोप, तो हम उसको यहां हमारे केस में आई से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, ठीक है। सो आई हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बेस की जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा है कि जो थीटा है दैट इज द स्लोप आई विच इज वेरी स्मॉल, सो मैं लिख सकता हूं पर टेन थीटा इक्वल टू थीटा दैट इज इक्वल टू आई। सो ये जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू और ये हो गई आपकी बेस की वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 1 in 8000, 1 in 8000 मतलब 8000 यूनिट लेंथ में जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब यही है, ठीक है। 8000 लेंथ में दैट इज बेस में बेड के अलोंग जो डिस्टेंस है दैट इज 8000 यूनिट्स, उसमें जो आपको परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट मिल रही है बेड की दैट इज 1 यूनिट्स, ओके। यहां पर कोई पर्टिकुलर आपको यहां पर डायमेंशन का कोई यूनिट नहीं देगा, मीटर्स एटसेट्रा, क्योंकि ये जो है आई दैट इज द स्लोप ऑफ बेड, ये जो स्लोप ऑफ बेड है वो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, ओके। सो ये हो गया आपका लेट अस से यहां से यहां तक 8000 यूनिट आपका बेड की लेंथ है, तो यहां जो हाइट है यहां पर दैट इज द परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू 1 है, तो स्लोप आ जाएगा आपका आई इक्वल टू 1/8000, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो हमेशा आपको इसी तरह से देगा 2 in 4000 एक्सेट्रा। सो 2 इज द वैल्यू ऑफ दिस परपेंडिकुलर एंड जो आपका 4000 8000 व्हाटएवर जो दिया है दैट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ अलोंग बेस। सो यहां इस तरह से आपको हमेशा जो स्लोप है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप हमारा आ गया, ठीक है। नाउ हमको डिस्चार्ज दिया है लीटर्स पर सेकेंड में, हम जानते हैं 1 meter cube इज इक्वल टू होता है 1000 liters, ठीक है, ये होता है हमारा वॉल्यूम के यूनिट में कन्वर्जन। सो 1 liter विल बी इक्वल टू 10^-3 meter cubes, ओके। आपको 800 लीटर्स दिया है, सो 800 × 10^-3 ये हो जाएगा 0.8 meter cubes per second। सो दिस इज योर डिस्चार्ज इन SI यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, हमारे पास I की वैल्यू आ गई, सो ये आ गया, ये आ गया। एरिया ऑफ फ्लो हमको नहीं पता है क्योंकि हमारे पास डायमीटर नहीं है। नाउ सी, सी है आपका चेजिस कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में चेजिस कांस्टेंट आप देख सकते हैं कहीं पर भी हमको डायरेक्टली नहीं गिवन है, हमको दिया है यहां पर मैनिंग्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन है मैनिंग्स कांस्टेंट दिया है, तो हम लोगों को यहां पर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था मैनिंग फॉर्मूला वो यूज करके हमको सी की वैल्यू निकालनी है। सो मैनिंग फॉर्मूला लिखते हैं अपन, मैनिंग्स फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू मैनिंग्स फॉर्मूला सी दैट इज चेजिस कॉन्स्टेंट, चेजिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1/n × m^6, ये होता है चेजिस कॉन्स्टेंट एज पर द मैनिंग फॉर्मूला, ओके। यहां जो n है दैट इज द
मैनिंग कांस्टेंट, मैनिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है 0.020, तो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 1/0.020 इंटू एम। एम जो होता है हम जानते हैं हाइड्रोलिक मीन रेडियस होता है, एम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ फ्लो ए अपॉन दी वेटेड पैरामीटर पी। सो यहाँ पर जो एरिया फ्लो है हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज पाई बाई 8 d², तो ये हो जाएगा पाई बाई 8 d² अपॉन दी वेटेड पैरामीटर। देखिए जो हमारा ये पाइप है ये हाफ फील्ड है, अगर ये फुल फील्ड होता, फुली फील्ड होता तो इसका वेटेड पैरामीटर होता पाई इंटू डी। नाउ ये हाफ फुल हाफ फील्ड है आपका, तो ये जो होगा ये वाला जो सरफेस है दैट इज योर वेटेड पैरामीटर एंड इट इज नथिंग बट द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पी इक्वल टू पाई बाई डी इंटू पाई बाई डी अपॉन टू, पाई बाई डी अपॉन टू, दिस विल बी द वेटेड पैरामीटर, तो ये हो जाएगा पाई डी बाई टू होल रेस्ट टू पावर 1/6। ओके, सॉल्व करने पे इसको लिख सकते हैं हम चार्जेस कांस्टेंट, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0.020 इंटू ये हो जाएगा पाई पाई कैंसिल जाएगा, डी से डी स्क्वायर कैंसिल जाएगा, ये हो जाएगा आपको डी बाई 4 रेस्ट टू पावर 1/6। ओके 1/6। नाउ ये जो डी बाई 4 हमारे पास आया है दैट इज द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है ये m की वैल्यू है, तो m इक्वल टू हो गया आपका d बाई 4, दिस इज दी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। नाउ सारी वैल्यू जो है हम वो हमारे इक्वेशन में चेरिस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, जो कि है q इज इक्वल टू a इंटू सी इंटू रूट ओवर एम आई, ठीक है। सो a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, a है हमारे पास पाई बाई 8 इंटू डी स्क्वायर, सी आ गया हमारे पास 1/0.020 इंटू डी बाई 4 रेस्ट टू पावर 1/6 इंटू रूट ओवर एम दैट इज डी बाई 4 इंटू आई, आई निकाल चुके हैं 1/8000। ओके, और जो डिस्चार्ज है हमारे पाइप में दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर क्यूब्स पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और डायमीटर की वैल्यू हमको फिर मिल जाएगी, तो हमारे पास जो डायमीटर है सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है 2.296 मीटर्स। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द पाइप। अब हम देखते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के बारे में, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब सेक्शन का डायमेंशन मैं ऐसा क्या रखूं कि जो उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मुझे बहुत ही फेवरेबल मिले, ठीक है। इकोनॉमिकल सेक्शन कब बोलेंगे किसी सेक्शन को, जब मुझे कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज रेट मिलेगा। कारण क्या है, देखिए किसी भी चैनल का काम क्या होता है, चैनल हम लोग बनाते हैं इरिगेशन पर्पज से, ठीक है। ओपन चैनल की हम लोग जब बात करते हैं, ओपन चैनल फ्लो जैसे कि मैंने बताया कि फ्लो विथ अ फ्री सरफेस, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोई भी कैनाल हो सकता है या कोई भी लार्ज डायमीटर का पाइप हो सकता है जिसमें एक फ्री सरफेस हो, दोनों जो कैटेगरीज हैं वो ओपन चैनल फ्लो की कैटेगरी में आती है। अब ये फ्लो जो है वो इकोनॉमिकल कब होगा, कोई कब कोई कैनाल या कब कोई पाइप का जो डिज़ाइन है वो इकोनॉमिकल होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काम क्या है, काम यह है किसी भी चैनल का सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना बेसिकली, ठीक है। नाउ उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सप्लाई करना है, यानी कि जो डिस्चार्ज होना चाहिए उस ओपन चैनल से वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। सो जिस चैनल में जिस पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए हमारा जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम होगा, उस डिज़ाइन में हमको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, यानी कि उसमें इन्वेस्ट करने पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम उसमें अच्छा होगा। सो इकोनॉमिकल होने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बेसिक चीज़ समझनी है कि उसमें जो डिस्चार्ज है वो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए कम लागत में, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो डिस्चार्ज है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं चार्जेस इक्वेशन से या चार्जेस फॉर्मूला से क्यू इज इक्वल टू होता है ए दैट इज एरिया फ्लो इंटू सी दैट इज चार्जेस कॉन्स्टेंट इंटू रूट ओवर एम इंटू आई, वेयर एम इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड आई इज द स्लोप ऑफ बेड। नाउ जो एम होता है दैट इज द एरिया ऑफ फ्लो अपॉन द वेटेड पैरामीटर, सो लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू ए इंटू सी इंटू रूट ओवर ए बाई पी इंटू आई। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू सी इंटू अंडर रूट ए इंटू आई अपॉन अंडर रूट पी। ओके, नाउ इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया फ्लो आपके पास है, ठीक है, आपके पास पर्टिकुलर एरिया ऑफ फ्लो होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए, अगर आपको एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं डिस्चार्ज जो होता है दैट इज एरिया ऑफ फ्लो इनटू द एवरेज वेलोसिटी। सो एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज अगर आपको चाहिए तो उस केस में आपके पास एक जो एरिया है वो आपको पता होता है कि इतना मुझे एरिया रखना है अगर ये मुझे वेलोसिटी मिलने वाली है। ओके, सो क्यू इज इक्वल टू ए इनटू वी, सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, ओके आई कैन सी के जो
क्यू है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द पैरामीटर। अगर आपको ए पता है कि एरिया मुझे इतना रखना है, मुझे वेलोसिटी इतनी रखनी है, तो जो क्यू है दैट इज रिलेटेड टू द पैरामीटर, दैट इज वेटेड पैरामीटर। तो यहाँ पर मैं ए को, सी को और ये जो टर्म है अंडर रूट ए आई, इसको मैं कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ इस केस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू k अपॉन अंडर रूट p, वेयर k इज इक्वल टू a इंटू सी इंटू अंडर रूट a इंटू आई, ओके। क्योंकि एक गिवन वैल्यू है a की, सो दैट्स वाई ये जो टर्म है दैट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, ओके। जो स्लोप ऑफ बेड है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो यहां पर जो p हो जाएगा, p पैरामीटर, वो आपका पैरामीटर होगा जिसके बेसिस पे पता चलेगा कि डिस्चार्ज मेरा हाईएस्ट होगा या फिर लोएस्ट होगा। तो देख सकता हूं मैं कि पैरामीटर का फंक्शन हो गया आपका जो डिस्चार्ज है। सो यहां पर हम लोग जब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन देखेंगे तो उसके लिए पैरामीटर की वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में जो डिस्चार्ज मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। यहां पर मैं देख सकता हूं क्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ओवर p, यानी कि जो पैरीमीटर है बेसिकली ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसका क्या मतलब है कि पैरीमीटर जो है वो ज़्यादा है तो हमको डिस्चार्ज कम मिलेगा, या वेटेड पैरीमीटर आपका कम है तो डिस्चार्ज ज़्यादा मिलेगा, ये इकोनॉमिकल कैसे होता है इसको समझते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक ट्रेपोजॉइडल चैनल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वेटेड पैरीमीटर है, ये वेटेड पैरीमीटर जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, लेट अस से ये पॉइंट ए है, बी है, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ओके। देन योर ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी है दैट इज योर वेटेड पैरीमीटर। ये वेटेड पैरीमीटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस चैनल को, इस कैनाल को बनाने के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा, उतना ज्यादा इसमें हमको मटेरियल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, इसके वेटेड पैरामीटर पे। ये पैरामीटर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमको इकोनॉमिकल सेक्शन कब बोलना है, जब हमको कम कॉस्ट में, कम इन्वेस्टमेंट में हमको मैक्सिमम डिस्चार्ज हमको मिल रहा है, उस केस में हम लोग उस सेक्शन को इकोनॉमिकल बोलेंगे। और ये जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रही है, वो वेटेड पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। और हमने देखा जो रिलेशनशिप है डिस्चार्ज एंड वेटेड पैरामीटर पे, दैट इज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ओवर p, ओके। सो वेटेड पैरामीटर अगर कम होगा तो आपका जो सेक्शन है वो इकोनॉमिकल होगा। तो हमको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी किसी भी इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए जिसके लिए आपका जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम होगा। सो बेसिकली हमको मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन डिजाइन करने के लिए पैरामीटर की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, वो हमको निकालनी होगी, वो डायमेंशंस फाइंड आउट करने होंगे जिनके लिए जो वेटेड पैरामीटर है वो मिनिमम होगा। जब वेटेड पैरामीटर मिनिमम होगा तो उस केस में जो डिस्चार्ज होगा सेक्शन से, चैनल सेक्शन से, वो आपका मैक्सिमम होगा। इस तरह से हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करके जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आज के जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ डील किए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आज के टॉपिक से तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरा और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।